बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑन अ स्पेशल नोट लाइक क्या अभी तक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का स्टडी मटेरियल रजिस्टर में मेनटेन कर लिया है कम्प्लीट कर लिया है इट्स अ बिग क्वेश्चन डोंट आंसर मी राइट ना हो वेरी गुड बेटा वेरी गुड हिमांशु वेरी गुड तो इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देखिए मैं कितना भी आपको पढ़ा दूँ राइट right, बेटा दैट्स वेरी गुड गजल दैट्स वेरी गुड बेटा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्मी ऑल्सो राइट तो द थिंग इज दैट आप जितना भी मैं आपको पढ़ा दू जब तक आप रिटर्न में अकाउंट्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा राइट right बेटा तो व्हाट्स योर फर्स्ट मेन कि सर सबसे पहले जो आपने हमें गाइड किया है कि सर अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें कंटेंट की बात करें मैं कितना भी पढ़ा दू आपको लेकिन जब तक बच्चा रजिस्टर में एक बात सोचिए अगर मैं आपको केवल वर्बली एक्सप्लेन करता रहा डेली बेसिस इफ आई विल नॉट राइट एनीथिंग वेदर वेदर ऑनलाइन देयर देयर ऑफलाइन मैं क्लास में आऊं और आप सबके सामने बस डिलीवर करता नॉलेज डेफिनेटली आप एंजॉय नहीं करेंगे आप कहेंगे सर यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन दी बोर्ड एंड ऑल तो कैसे दिमाग में डाउनलोड हो इन द सेम मैनर जब तक एक बच्चा अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करता तब तक वो प्रॉब्लम में रहता है राइट right, बेटा तो व्हाट्स योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सर एज पर योर गाइडेंस अकाउंटिंग टर्म्स का एक यूनिक मटेरियल आपको हमने सेंड किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेंड किया सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कि उसको नोट डाउन करें और उसके बाद क्लास अटेंड करें यू यूलॉय आर लॉट बिकॉज देर आर अराउंड ट्वेंटी ओन इम्पोर्टेंस

सर वो अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना सर यू नो आफ्टर सम टाइम सर सब कुछ सही हो जाएगा मतलब अगर वे वेट करते रहेंगे तो इससे बेनिफिट नहीं होगा वी शुड नॉट वेस्ट आवर इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइम बेटा आपका कहते ना टाइम इज मनी जिस इंसान ने टाइम की वैल्यू समझ ली उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा राइट right? और इलेवेंथ ऑनवर्ड्स वैसे भी आपका एक नया करियर स्टार्ट हो जाता है राइट right, बेटा है ना बेटा तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नंबर वन डे से और अगर कल तक नहीं किया कुछ भी इट्स ओके okay. आज से स्टार्ट कर दो क्या फर्क पड़ता है बेटा राइट right. जब भी जागे कहते हैं ना तब सवेरा जब जागो तब सवेरा लेकिन कितना डिले और करेंगे अब और डिले नहीं आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू ठीक है क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेटेस्ट चल रहा है खत्म हो जाएगा आज या कल खत्म फिनिश और जिन जिन बच्चों को डाउट है किसी भी कंसेप्ट में यू कैन सेंड मी दी पर्सनल मैसेज की सर

अपने कीमती समय को खराब मत करो बेटा ईच एंड एवरी डे इज हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस हर दिन कुछ नया सीखो लाइफ में राइट right, बेटा ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एंजॉय इट विदाउट टेकिंग एनी टेंशन ठीक है ना वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट बेटा लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल भी तो आपको वेक अप करना पड़ेगा ना ये थोड़ी ना कि 7:30 की क्लास है और अब हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इतना जल्दी उठना अरे क्या हुआ दोपहर को सो जाना आराम से okay बेटा okay. कोई नहीं है. तो चलिए आपको, sure आपको दिख रहा है का एक पहचान कौन? लेकिन पहले, हमारे कुछ बच्चों को अभी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक शॉर्ट रिवीजन की रिक्वायरमेंट है और वो मैं अभी के अभी आपके सामने करा रहा हूं राइट right, बेटा विद फुल ऑफ स्पीड विद फुल ऑफ स्पीड तो चलिए सबसे पहले एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं बेटा शॉर्ट रिवीजन लेकिन ये बहुत स्पीडली होने वाला है बेटा राइट right? क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं नंबर सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बच्चों बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है सर दैट बिजनेस मैन एंड बिजनेस बोथ शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी दोनों को सेपरेट सेपरेट माना जाना चाहिए और बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है सर दैट शुड बी कंसिडर्ड एस कैपिटल उसे हम कैपिटल कहेंगे नहीं ले सकते सर क्यों सर क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो वापिस बंद करने के लिए नहीं किया ये आपने क्यों स्टार्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा विद्रॉ किया इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग और ये हम नंबर डे ही बच्चे को बता देते हैं कहीं ना कहीं हम बच्चे को नंबर डे बिजनेस एंटिटी ही पढ़ाते हैं और फिर उसको उसको बाद में ऑफिशियल आज जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिवीजन करा दिया राइट ठीक है सेकेंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एक ही बात कहता है कि accounts, value, वो सारे ट्रांजेक्शन जिनमें कुछ ना कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट है मॉनिटरी वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन दुक्स ऑफ अकाउंट वेरी इजी यानी क्वालिटी मैटर इन अकाउंट्स आपकी क्वालिटी गुड्स की आपके दिमाग की आपके बिहेवियर की जो भी क्वालिटी है बेटा दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ऑफ अकाउंट अकाउंट्स बड़ा ही सेल्फिश है ये एक ही बात कहता है भैया हम तो उन्हीं चीजों को दिखाएंगे जिसमें कुछ मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है दैट्स इट नंबर ड हमेशा हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा अकाउंटिंग पीरियड आखिर बिजनेसमैन को अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए क्या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिक्लेयर हुआ जो आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा याद कीजिए बेटा स्टार्टिंग में अकाउंटिंग साइकिल नहीं तो स्टार्टिंग से स्टडी मटेरियल चेक कर लीजिए आप आपके पास बुक है अगर डीके गोयल फर्स्ट चैप्टर में आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा अकाउंटिंग साइकिल का मेन ऑब्जेक्टिव है सर पूरे साल अकाउंट्स मेंटेन करना और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे बनाते हैं आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स भाई आप में से एक बच्चे ने मुझसे पूछा लाइक like, लक्ष्य लक्ष्य आर यू देयर यस yes, लक्ष्य लक्ष्य पारिक यस yes, बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ यस बेटा यस लक्ष्य यस जल्दी 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 हमारे बच्चे तो देखो ऑनलाइन में शर्माते भी बहुत हैं बेटा और क्लास में अब

ठीक है तो मैंने कीर्ति को क्या सजेशन दिया बेटा अब आप म्यूट कर लो बस इतनी सी बात थी अब mm -hmm. मैंने कीर्ति को सजेशन दिया दैट कीर्ति प्रिपेयर योर अकाउंट्स आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स जैसे ही तुम्हारा 12 मंथ्स का टाइम पीरियड पूरा हो अपने मेन अकाउंट्स प्रेजेंट करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक को जिसको भी आपको शो करना है करो कंपनी है तो ऑनलाइन शो करो ताकि सभी शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया दे शुड कम टू नो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ असेट कितनी है लाइबिलिटीज कितनी है तो कीर्ति का एक आउट आ गया सर मैं जुलाई टू जून स्टार्ट कर सकती हूँ अपने फाइनेंशियल ईयर हमने कहा हेलो हेलो मैडम ऐसा नहीं चलेगा यू हैव टू फॉलो विच ईयर यस बेटा यू हैव टू फॉलो विच ईयर बताइए फाइनेंशियल ईयर टू मार्च यस यस यस

राइट right, बेटा फॉर एवर एंड एवर चलता ही रहता है ना बेटा आपके भी घर में कई बच्चे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं कईयों के रिलेटिव का है लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है और चलता ही रह रहा है राइट अभी लेटेस्ट जो मैंने सुना बीकानेर में बिश्नलाल बाबूलाल आपने सुना होगा एक भुजिया का बहुत फेमस ब्रांड है राइट right? और मैंने उन सभी के बच्चों को पढ़ाया भी है डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अच्छी एक ये जो बात रही कि हाँ मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया राइट right? अब ध्यान से सुनना उनका ब्रेकअप हो गया सर, ब्रेकअप हो गया। yes, दो ब्रदर्स हैं, दो ब्रदर्स हैं, हैं। दो दो जो मीन ब्रांड है बेटा, दो उनके पार्टीशन हो गए मतलब दोनों ब्रदर्स अलग हो गए लेकिन लेकिन किसी ने भी कोई फिक्स पेटेंट राइट नहीं ले रखा था या जो भी उनकी कंडीशन थी दोनों अब अपने ही नाम से सेम नाम से दोनों अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं दोनों दोनों ब्रदर्स होगी एज उनकी जो भी वट एवर ब्रदर्स मीन जो सीनियर जो है पेरेंट्स मेन उन्होंने अलग अलग अपना बिजनेस को ब्रेकअप कर लिया बट स्टिल दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन बाय द सेम स्टिलोड लाल बाबूलाल बेटा आप जरा सोचिए तो फेयर बिजनेस है चल तो अभी भी रहा है और लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है एक फेमस ब्रांड चलिए आगे चलते हैं बेटा इसी बेसिस पर सेकेंड स्टेटमेंट जो होता है कि अगर आपने फिक्स असेट परचेज की है मेहरबानी करके इसे एक्सपेंस मत मानिए मत मानिए एक्सपेंस क्योंकि फिक्स असेट भी आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी ये सुनो ये सुनो स्कूल अभी आपको कंप्यूटर yes. रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराता है स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं राइट क्या वो कंप्यूटर स्कूल ने वन ईयर के लिए परचेज किया था जस्ट थिंक ऑन इट जो इतना बेहतरीन कंप्यूटर लैब स्कूल का था That's आज आज वो आप सभी के लिए काम आ रहा है बेटा

और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एक ही चीज देती है बेटा यू नो वट अटेट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है तो उसे जब आप अकाउंट्स मेंटेन करें तो कौन सी कैटेगरी में लिखें एक्सपेंस अट की कैटेगरी में वेर एज अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया जो बार बार होता रहता है इसे कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे बच्चों एक्सपेंस की कैटेगरी अब ये अगर थियोरिटिकल आपने याद कर लिया अगर theoretical आपने दिमाग में समझ लिया तो जब practical questions करेंगे right? yes, बेटा any yes, बेटा yes. so, तो कर यार पूरे साल भर में आपके पेरेंट्स ने स्कूल को फीस पे की बिजली पानी का बिल पे किया आपकी बुक्स परचेज की ये सब क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो है भी? जो बार बार होता रहता है बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज किया एम्प्लॉयस को सैलरी दिया दुकान का रेंट दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म बेटा जल्दी से आ गया ये राइट right बेटा फिफ्थ जल्दी से देखिए क्योंकि अकाउंट शुड बी प्रिपेयर इन कंसिस्टेंट मैनर कंटिन्यूसली कंटेन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर ईयर आफ्टर ईयर ईयर आफ्टर ईयर एवरी ईयर आपको कंसिस्टेंटली अकाउंट्स बनाने और खास बात क्या कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बार बार चेंज मत कीजिए अदरवाइज आप ट्रू कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे प्लीज डोंट चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी ईयर अगर आपने रूल्स चेंज किए आप अपने बिजनेस की रियल परफॉर्मेंस पता नहीं लगा पाएंगे बच्चों तो इट्स इंपॉर्टेंट कि सेम पैरामीटर के साथ फॉलो कीजिए बट कभी अगर आपने मान लीजिए लाइक एक बात सुनिए अभी 40 मिनट्स की क्लास है राइट स्कूल स्टार्ट हुआ स्कूल ने कहा कि भैया फिजिकल क्लास है इलेवेंथ क्लास है ट्वेल्थ क्लास है एटलीस्ट वन आवर की होनी चाहिए पर पीरियड शुड बी ऑफ वन आवर तो इतना चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है स्कूल क्या बोलेंगे बेटा येसो नो प्लीज टेल मी कर सकता है स्कूल ये ऑफ यू क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा अरे नहीं लेकिन मान लीजिए उसके एक महीना स्कूल ने वन आवर का टाइम रखा अब स्कूल नेक्स्ट मंथ कर रहा है कि नहीं अब थर्टी मिनट्स का लेंगे भैया थर्टी मिनट्स सब्जेक्ट सारे कवर अप नहीं होते एक बाद ने का, नहीं नहीं थर्टी मिनट्स से कुछ नहीं हो रहा आवर uh, का होना चाहिए अरे मजाक थोड़ी ना यार मजाक नहीं है मेरे बच्चों कंसिस्टेंसी मीन सेम प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करें लेकिन अगर कभी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ रूल्स चेंज करने चाहिए यस बट इट शुड नॉट बी ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस इट शुड नॉट बी ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं तो ट्रू परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी जल्दी से आइए बेटा सिक्स कंसेप्ट की ओर सिक्स कंसेप्ट बहुत ही बच्चों वाला अब ये कन्वेंशन है ये कन्वेंशन है मटेरियलिटी सर एक डाउट है मैं ही डाउट पूछ रहा हूं बेटा डाउट सुनिए क्या डाउट है सर ये कन्वेंशन में अभी भी थोड़ा लफड़ा है सर सर समझ नहीं आया कन्वेंशन होता क्या है सर अभी लीजिए बेटा कन्वेंशन क्या है बेटा जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कांसेप्ट एंड कन्वेंशन कांसेप्ट मींस फिक्स सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट कन्वेंशन कन्वेंशन क्या है जो पुराने बिजनेसमैन हैं जो बड़े-बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने कई सालों तक अपना बिजनेस मैनेज किया अकाउंट्स मैनेज किए उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि 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 साइंटिस्ट की की तरह कुछ कुछ अविष्कार कर दिया। But उन्होंने कुछ की की दिया। उन्होंने फॉलो और सबके लिए लिए सजेशन ये हैं भाई अगर आप मटेरियलिटी मटेरियलिटी यूज़ करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। सर का मतलब क्या हुआ? अगर इंपॉर्टेंस है तो शो करो ना बेटा और अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो शो मत करो अब आपके बिजनेस में एक अच्छा एक बात सुनिए मेरा एक पेन मिसप्लेस हो गया अब क्या मैं इसे मेन अकाउंट्स में शो करूंगा क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है नहीं रखता सर इंपॉर्टेंस नहीं दिखाऊंगा सर लेकिन ये तो सर इसकी तो मॉनिटरी वैल्यू थी ये तो पांच रुपए का था फिर आपने तो चीटिंग किया अरे नहीं किया अगर मैं ऐसी चीजें दिखाने लग गया रिलायंस कंपनी जहां करोड़ों के ट्रांजेक्शन चल रहे हैं अकाउंट्स में राइट करोड़ों की बातें चल रही है बेटा और अचानक से बीच में अगर फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज आ जाए क्या ये सही लगेगा शेयर होल्डर भी कहेगा इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगाए यार ये क्या फाइव फिफ्टी क्या चीज आ गया क्या चीज हो गया एक छोटा सा कुछ लॉस हुआ था बेटा गुड्स का फाइव फिफ्टी का अब कंपनी उसे शो नहीं करेगी क्यों शो करेगी बेटा इट हैजिंग नो इम्पोर्टेंस सो इट डिपेंड्स ऑन दिजनेस टू बिजनेस अगर एक छोटा बिजनेस है उसमें कुछ थाउजेंड रुपीज का कुछ गुड्स चोरी हो गया डेफिनेटली उनके लिए वो वैल्यू रखता है इंपॉर्टेंस रखता है वो उसे अपने अकाउंट्स में शो करेगा एज अगर मैं बात करूं एक बड़ा बिजनेस बहुत जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लैक्स में चल रहे करोड्स में चल रहे हैं वहां छोटी मोटी चीजों को हम कई बार शो नहीं करते बेटा नहीं तो हमारे अकाउंट्स क्या बन जाएंगे बल्कि हो जाएंगे सर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा राइट समझ रहे मेरी बात हर दिन मैं आपका टेस्ट रखू अगर मैं हर दिन आपका टेस्ट रखू गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी भी रिसोर्स uh, के थ्रू हर दिन ईच एंड एवरी डे आपका परफॉर्मेंस नहीं आए परफॉर्मेंस कब आता है जब कुछ ये yes, थोड़ा सा टाइम दें थोड़ा स्टडी का टाइम दें और कुछ ड्यूरेशन uh, का भी टाइम गैप होना चाहिए फिर मजा आता है बच्चे को भी पेपर करने में लगता है कि येस इट इज हैविंग सम इम्पॉर्टेंस फिनिश केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को शो करेगा बिजनेसमैन विच आर हैविंग सम इंपॉर्टेंस आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से सेवन कंसेप्ट की ओर ज्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट ज्वेल एस्पेक्ट आप सभी के दिमाग में तभी ये चीज बैठेगी जब आप स्टडी मटेरियल एक बार ऑनेस्टी से रिटर्न डाउन करेंगे नोट डाउन करेंगे और अपने डाउट्स पूछेंगे तब मजा आएगा बेटा जल्दी से देखिए ज्वेल 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 एस्पेक्ट क्या कहता है है आप सभी ने सुना सर जिसके अंदर दो सिम होती है इन द सेम मैनर अकाउंट्स का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये ये कंसेप्ट है फिक्स रूल एंड रेगुलेशन वाला कि बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे

अभी इसके अंदर की स्टोरी नहीं समझ आए ये तो पिक्चर का नाम है मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए जैसे ये प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होगा आई कैन गिव यू यू गारंटी ऑल विल एंजॉय बेटा असेट और मतलब एक कंसेप्ट है बिजनेस का कि आप कुछ भी कर लो असेट और लैब्रिटीज हमेशा बराबर होंगी सर इससे पहले थोड़ा सा एक बार और डुअल एस्पेक्ट की क्वालिटी बता दो लाइक एग्जाम्पल लेता हूं अगर आपने गुड्स परचेज किया सपोज टेन थाउजेंड रुपीज का सर क्या इसके दो इफेक्ट होंगे हंड्रेड परसेंट होंगे सर गुड्स आ रहा है सर। प्लस हो जाएगा। सर कैश, कैश माइनस हो जाएगा अब आप ही में से एक बच्चे ने कहा कि सर अच्छा सर आपने कहा कैश खरीदा सर हम बोलते हमने उधार खरीदा हमने पेमेंट किया ही नहीं सर अभी तो क्या हुआ स्टॉक तो आ रहा है आपके दुकान में स्टॉक प्लस हो जाएगा पहला इफेक्ट

स्कूल के अकॉर्डिंग दो इफेक्ट होंगे क्या आप में से कोई बता सकता है कैसे इसके भी दो इफेक्ट होंगे बेटा स्कूल के पास क्या आ गया बताइए बेटा लायबिलिटी अरे लायबिलिटी पहले पैसे आए ऐसे मत करो पहले पैसे आए पहले कैश या बैंक व्हाटएवर इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए स्कूल इज नॉट अ बिजनेस स्कूल इज अ सर्विस प्रोवाइडर सिंपल सी बात है बेटा राइट right?

Right, बेटा. Confirm है ये चीज। डाउट any चलो फिर आगे चलते हैं बेटा अच्छा, एक बात बताओ। लाइब्रेटीज में भी दो, दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो लाइब्रेटीज जो परमानेंट है जिसका पेमेंट बिजनेस कभी करता ही नहीं और एक जो परमानेंट नहीं है सर समझ नहीं आया कैपिटल कौन सी लाइब्रिटी है बिजनेस की सर हमारा पैसा है और कहा है हमने अपनी दुकान में लगा दिया तो दुकान के अकॉर्डिंग तो हुआ ना बेटा राइट right. यानी कि अगर मैं इसको फाइव इक्वस्ट बोलू या फिर मैं इंपॉर्टेंस राइट बेटा प्लीज अपना सिस्टम म्यूट रखिए बेटा जी यस थैंक यू वेरी मच चलिए ध्यान से सुनिए यानी ए एक टू एल नहीं बोलना हमें क्या बोलना है ए इक्वस टू एल प्लस सी सर क्यों सर क्योंकि लाइबिलिटीज वो होती है जिनका पेमेंट हमें करना होता है मे बी शॉर्ट टर्म में मे बी लॉन्ग टर्म में इट डिपेंड्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लेकिन सर कैपिटल तो ना शॉर्ट टर्म है ना लॉन्ग टर्म है इसका पेमेंट तो बिजनेस कभी करता ही नहीं है यानी कि मैं फाइव इक्व टू फाइव लिखू या मैं फाइव इक्व टू फोर प्लस वन लिखू बात एक ही है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस दिन स्टार्ट हो गया आप सब एंजॉय करेंगे बेटा कि सर इसमें तो बहुत मजा आ रहा है अब ये नहीं है कन्वेंशन है यानी कि जो बहुत सारे बिजनेसमैन ने मिलकर एक रिसर्च की कि जो भी बिजनेसमैन है ना इसे अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपना फाइनेंशियल डेटा या हम ये कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना ही करना चाहिए ठीक है वो डिपेंड करता है कितने बड़े लेवल का सर इसमें हम क्या क्या बताएंगे बिल्कुल बताता हूँ हम बताएंगे हमने पूरे ईयर में कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया पूरे ईयर में हमारी असेट कितनी थी वेरी गुड बेटा What about these of liabilities? Yes, उट yes, very good. The thing is that shareholders, आपके parents ने मान लीजिए पैसे लगा रखे हैं टाटा कंपनी में अब अगर आपको टाटा कंपनी का परफॉर्मेंस ही पता ना चले एयरटेल कंपनी का परफॉर्मेंस ही ना पता चले सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पैसा लगाया मे बी वन लैख टू लैख शेयर परचेज किए आप कंपनी के ऑनर की तरह ट्रीट किए जाते हैं ये बिजनेस स्टडीज के second चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है बेटा तो अब आपको कैसे पता चलेगा क्या आप टाटा कंपनी को फोन करेंगे हाँ जी बताइए रतन टाटा जी क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है अरे ऐसा थोड़ी ना होगा देर आर सो मेनी शेयर होल्डर्स तो इट्स अ ऑफ द कंपनी और अगर सोल प्रोपराइटर की बात करूं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स दी बैंक टूवर्ड्स दी कैन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनेस्टी से बताओ कितना पैसा कमाया और उसके ऊपर जो भी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है ऑनेस्टी से पे करो यानी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये कहता है कि आपको अपना जो भी फाइनेंशियल डेटा है इसे डिस्क्लोज करना चाहिए इट डजन मीन कि हम सीक्रेट्स लीक आउट कर रहे हैं अरे नहीं बेटा नहीं हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स थोड़ी ना बताएंगे क्या हम ये बताएंगे हम प्रोडक्शन कैसा करते हैं हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करते हैं? अब एलपीएस स्कूल जो इतना अच्छा बिहेवियर इतना अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को भी टीचर्स को भी मतलब इतना एक जो एटमोस्फेयर है बी ऑनेस्ट बेटा आई एम अ लॉट फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर जितना भी मुझे टाइम हुआ है आई एम एंजॉइंग लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन स्कूल क्या ये सब चीजें बताएगा कि हम बच्चों को इतने अच्छे से रिस्पेक्टफुली रखते हैं उनकी बात सुनते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं टीचर्स की बात सुनते हैं और आराम से सब खुशी खुशी एज अ टीम पढ़ाते हैं एज अ टीम वर्क पूरा स्कूल मैनेज होता है राइट right, बेटा क्या स्कूल ये चीजें डिस्क्लोज कर सकता है नहीं सर ये थोड़ी ना डिस्कलोज करेगा स्कूल तो एक ही चीज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर करेगा भी तो क्या करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से फीस कितना मिला हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हमने अपने टीचर्स को अमाउंट सैलरी कितना दिया पीओन को वेजेस कितना दिया इलेक्ट्रिकसिटी चार्जेस कितना दिया दैट्स इट खत्म खत्म फिनिश कितने हो गए बेटा एट स्टिल देखिए अभी भी फाइव पेंडिंग है जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ नाइन्थ पे आता हूँ बेटा नाइन्थ अब ये थोड़ा सा डराने वाला आ रहा है डरना नहीं है अपने को बिल्कुल भी बेटा अगेन कन्वेंशन आ रहा है कन्वेंशन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस अब जरा ध्यान से सुनना बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम सो बी मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना बेटा Means पुराने समय से एक हमने की, जो बिजनेस मैन थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ईयर कि के एंड में ईयर के एंड में अगर आपकी दुकान में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है आप कपड़ों के सेगमेंट में है मेडिसिन के सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में हमने एक रिसर्च uh, किया कि अगर साल के था नंबर टू इज रिलाइेबल वैल्यू नंबर टू इज ये हर एक बिजनेस में नहीं होगा अगर किसी बिजनेस में ये दो सिचुएशन आ रही है कि एक तरफ हमें पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस जो मे बी जो मे बी वन लाख रुपीज था एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल सर वैल्यू मतलब वो प्राइस जो अब आपको अपने कस्टमर से मिलेगा हिंदी में इसे बोलते हैं बता सकते हैं क्या आप में से गोलमाल मूवी देखिए कई बच्चों ने जल्दी बताओ बेटा गोलमाल मूवी देखिए ना गोलमाल मूवी उसमें एक पर्सन का रोल होता है बेटा एक करेक्टर होता है पता है कौन वसूली सुना आप में से किसी ने वसूली वसूली कि एक पर्सन का रोल होता है उसमें वसूली भाई वसूली भाई है ना yes. वसूली जो जो पैसा वसूल करता है जो पैसा वसूल करता है यहाँ पर भी वही बात आ रही है रिलायसेबल वैल्यू मतलब वो पैसा जो आप अपने कस्टमर से अब वसूल कर सकते हैं जो आप अपने कस्टमर से वसूल कर सकते हैं अब मे बी इनमें वेरिएशन आ सकता है मे बी रिलायसेबल वैल्यू एटी थाउजेंडी मे बी नाइनटी थाउजेंड मे बी वन ट्वेंटी राइट right. तो प्रॉब्लम आया अकाउंटेंट्स के लिए कि यार अब इसे कौन से प्राइस पे शो करें कॉस्ट प्राइस पे शो करें या रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करें यस एवर इज लेस बेटा वंडरफुल अब ये बात बच्चों के दिमाग में बैठ गई तो टेंशन खत्म ये रूल बनाया बेटा बिजनेस मैन ने जो पुरानी बिजनेस एंटरप्राइजेस मार्केट में चल रही थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ रिसर्च उन्होंने डिक्लेयर किया कि सर हम तो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एवर इज लेस बात खत्म फिनिश लेकिन ये तो एक छोटी सी बात है और ये अगर आपको आने वाले प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कभी दिख जाए तो याद रखना हाँ सर एज पर कन्वेंशन ऑफ जो वैल्यू कम है हम तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे बात खत्म ये तो इसका ए स्टेटमेंट था ए अब इसके पपा आ रहे हैं बेटा पपा ध्यान से सुनना बेटा इसके प्पा क्या कह रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरियसली फॉर फॉर ऑल दी पॉसिबल लॉसेस फॉर ऑल दी पॉसिबल लॉसेस या एंटीसिपेटेड लॉसेस अगर आपको लग रहा है कि आपके आपके बिजनेस में कुछ लॉसेज हो सकते हैं बेटा पॉसिबल लॉसेज या एंटीसिपेटेड लॉसेज तो उसके लिए मेहरबानी करके यू शुड प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस बिल्कुल बेटा बिल्कुल यू शुड प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस सर प्रोविजन का मतलब क्या है वैसे तो ट्वेल्थ में डिटेल में आप पढ़ेंगे राइट right. बट अभी एक आइडिया देता हूं बिल्कुल प्रोविजन मींस हिंदी लैंग्वेज में कहूं तो इसको हम बोलते हैं गुल्लक गुल्लक मतलब अगर आपको आपको लग रहा है है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो मेहरबानी करके पहले से प्रोविजन बना दो ना बात खत्म प्रोविजन मीन गुल्लक गुल्लक मींस अभी भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं अरेजमेंट ऑफ फंड एडवांस अरेन्जमेंट ऑफ फंड इन एडवांस राइट बेटा आप में से कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर सकता है मैं नाम लेता हूं जल्दी से एक बच्चे का यस लवली, यस लवली बेटा, बेटा जल्दी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग बेटा लवली नाम लेते ही है ना मुझे पता है एक हीरो की याद आ जाती है एनी बता सकते हैं किसका नाम था एक मूवी में लवलीगढ़ सब <laughs> मूवीज़ तो हमारे तो। ऐसे है ना बेटा और वो भी सलमान खान का नाम आए तो हमारे बच्चे वैसे भी आ रहे सलमान खान जैसा भी है बट ड मैटर तो इन बॉडी उसका नाम था लवली सिंह राइट बेटा अब एक बात सुनो लवली बेटा अगर आपके पेरेंट्स ने ये सुनना बेटा ऑल ऑफ यू आप सब ध्यान से सुनना लवली के पेरेंट्स को लगा कि ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है और आफ्टर ग्रेजुएशन हमें इसे भेजना चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में मे बी किसी भी अच्छी कंट्री में जहां पर फीस मे बी फिफ्टी लाख रुपीज आर्टिफिशियल एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ ध्यान से समझना इस चीज को तो लवली के पेरेंट्स ने सोचा यार अचानक से पांच साल बाद जब उसे भेजेंगे फॉरन में या कहीं पे भी बैंगलोर डेहली या एनी तो अचानक से 50 लाख कैसे जुगाड़ करेंगे It will be a big तो आपके पेरेंट्स अगर चाहें तो पहले से क्या बना सकते हैं बेटा बताओ क्या बना सकते हैं प्रोविजन प्रोविजन पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्रोविजन बनाते हैं बेटा और कैन से दिस थिंग विद गारंटी बच्चे का जन्म होता है ना भले बॉय हो या गर्ल हो इंडियन पेरेंट्स की खास बात करूंगा इंडियन पेरेंट्स की दे यूज टू प्रिपेयर गुल्लक फ्रॉम नंबर वन डे बच्चे का जन्म हुआ चलो इसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं राइट right, बेटा तो आज के बाद इस इंजन में रहना ही मत प्रोविजन सर सर ऑफ इन एडवांस अब बहुत हुआ ठीक है लवली बेटा म्यूट कर सकते हो अब जल्दी से आप सब मेरी okay. बात सुनिए ध्यान से सुनना बेटा सर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल दीजिए जल्दी से यस नंबर वन एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं

Provision for depreciation. अगर आपको लग रहा है है आपके पास एक है, बीस लाक, लाक एक एक मशीन लाख लाख की ना ना दिन वो हो हो जाएगी हो जाएगी खत्म तो क्यों ना, पहले से जो उसके ऊपर लग रहा है वो amount आप आप के रूप में में कर लो जिस दिन मशीन खराब हुई आप में से एक बच्चा कह रहा है मेरे पास है तो आज ये लास्ट है क्या फ्यूचर में और नहीं चाहिए होगी बेटा चाहिए होगी ना आपको. येस गजल, येस

कार है अब आपको भी पता है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इसकी वैल्यू जीरो जीरो नहीं तो बहुत कम होने वाली है राइट right? अगर आपने जितना भी इसके अंदर डाउनफॉल आ रहा है उसके लिए पहले से ही फंड का जुगाड़ कर लिया क्या होगा बताइए सर फ्यूचर में जब रिप्लेस करना होगा ना बाइक या कार तो हमें प्रॉब्लम फेस नहीं होगा हम क्या करेंगे इस फंड को यूटिलाइज कर लेंगे मतलब हर साल जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इज नोन एज डेप्रिसिएशन उतना पैसा गुल्लक में कलेक्ट करेंगे और जब भी रिप्लेस करना होगा इस पैसे को यूटिलाइज कर लेंगे बेटा इट्स वंडरफुल ऐसी अगर हमारे डेटर्स अगर हमारे पैसे डुबा देते हैं जिसे हम बेड डेट्स वर्ड बोलते हैं यस yes करण तो उसके लिए भी एक वर्ड है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जल्दी बताओ बेटा जल्दी यस yes. सर, yes, बेटा. सर हमको कैसे पर्चा लेगा कि इस साल इसकी वैल्यू इतनी की है हमको इतने डाल देने डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेटेड बेसिस पे लगता है बेटा ठीक है ना और आगे जब आप फ्यूचर में स्टडी करेंगे तो आपको क्राइटेरिया दिखेगा गवर्नमेंट ने कुछ तय कर